जैसा कि आप अवगत हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुक्रम में शासन की ये मंशा रही है कि उस निर्देश का 100% अनुपालन जनपदों द्वारा सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में हम लोगों ने पहले से काम किया और 1860 लाउड स्पीकर्स जो रेजिडेंशियल एरिया के 55 से 50 डेसिबल के बीच नहीं थे उनको हटाया गया था। बीच में इसमें कुछ लोगों ने जिनकी संख्या लगभग 335 है उनके बारे में ये सूचना मिली कि इन्होंने फिर से नया स्पीकर लगा लिया है। कल आज प्रातः सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का विशेष अभियान चलाकर ऐसे 283 धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर उतारे गए और सीज किए गए। इसके अतिरिक्त 52 जगह ऐसी पाई गई जिनके यहाँ एक हॉर्न था जो प्रेमिसिस के अंदर ही जिसकी आवाज़ थी लेकिन थोड़ी ज़्यादा थी, वो डेसिबल रेजिडेंशियल एरिया का जो डेसिबल है उससे डेसिबल से ज़्यादा थी तो उनको उनका वॉल्यूम कम कराया गया। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ये अभियान लगातार पूरे महीने चलाया जाएगा और इस तरीके की डेसिबल की सीमा का अनुपालन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन 100% कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं इसमें 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित है, लेकिन हम आए दिन इस बात को देखते हैं, प्रायः हर व्यक्ति इस बात से दो चार होता है कि शादी ब्याह में बड़े तेज स्वरों में रात में भी डीजे का साउंड बजता रहता है। सभी थाना अध्यक्षों को क्षेत्राधिकारियों को मेरी तरफ से ये निर्देशित कर दिया गया है, सभी मैरिज लॉन वालों को और सभी डीजे वालों को इस बात का लिखित निर्देश दे दें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे।